हमीरपुर जिला के राधा स्वामी चैरिटेबल अस्पताल भोडा को कोविड 19 सेकेंडरी अस्पताल बनाए जाने के चलते हजारों लोगों को इलाज के लिए समस्याएं पेश आ रही हैं, जिसके चलते अब ग्रामीणों ने सरकार से कोविड अस्पताल को शिफ्ट करके अस्पताल को आम जनता के लिए खोलने की मांग की है। इसी के चलते दर्जनों ग्रामीणों ने भोटा चैरिटेबल अस्पताल पहुंचकर शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर जिला प्रशासन से मांग की है कि कोविड अस्पताल में अब कम ही मरीजों को रखा जा रहा है, इसलिए स्थानीय लोगों के लिए अस्पताल को खोला जाए। जिला परिषद सदस्य पवन चंदेल ने बताया कि भोटा चैरिटेबल अस्पताल में कोविड 19 के मरीजों के दो मरीजों को शिफ्ट कर हमीरपुर के अन्य राधा स्वामी संस्थानों में रखा जाए और आवश्यकता पड़ने पर संस्था के द्वारा हर सुविधा दी जाएगी, क्योंकि पिछले 5 महीनों से अस्पताल की ओपीडी बंद होने से मरीजों को समस्याएं पेश आ रही हैं। स्थानीय निवासी अशोक कुमार ने बताया कि लोगों ने स्थानीय विधायक से लेकर प्रशासन से भी अस्पताल में ओपीडी नहीं खुलने की बात को बताया है, लेकिन फिर भी कोई हल नहीं हो सका है और अब आज लोगों ने अस्पताल के बाहर पहुंचकर प्रशासन और सरकार से ओपीडी खुलवाने की मांग की है। स्थानीय निवासी ने बताया कि अस्पताल को स्थानीय लोगों के लिए खोलने की मांग की जा रही है और यहां पर मौजूद दोनों मरीजों को हमीरपुर में राधा स्वामी के भवनों में शिफ्ट किया जाए, ताकि लोगों को हो रही परेशानियां दूर हो सके। एसडीएम हमीरपुर चिरंजी लाल का कहना है कि कोविड 19 महामारी के लिए कहीं पर भी व्यवस्था बहुत जरूरी है और लोगों की मांग पर ओपीडी को खोलने को लेकर उच्च अधिकारियों से बात की जा रही है। गौरतलब है कि हमीरपुर जिला के भोटा चैरिटेबल अस्पताल को कोविड 19 सेकेंडरी अस्पताल बनाया गया है और यहां पर कोरोना के मरीजों का उपचार किया गया है। भोटा चैरिटेबल अस्पताल में आसपास के 20 किलोमीटर के दायरे के लोग अपना इलाज करवाने के लिए अस्पताल में पहुंचते हैं और इसकी ओपीडी प्रतिदिन 600 के करीब हो जाती है, लेकिन कोरोना सेकेंडरी अस्पताल बनाने के बाद लोग इस सुविधा से वंचित रह रहे हैं। उखली में भोटा राधा स्वामी हॉस्पिटल को कोविड 19 हॉस्पिटल बनाए जाने के विरोध में ग्रामीणों ने चक्का जाम किया। ग्रामीणों का कहना है कि भोटा राधा स्वामी हॉस्पिटल को जल्द से जल्द खोला जाए, ताकि गरीब जनता को सारी सुविधाएं मिल सके। वहीं भोटा पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी और जाम को खुलवाया और गाड़ियों की आवाजाही शुरू की। पांडवी पंचायत के प्रधान कंचन का कहना है कि आज उन्होंने 5 से 10 मिनट शांतिपूर्वक धरना दिया। उन्होंने कहा कि उनकी मांग थी कि भोटा राधा स्वामी चैरिटेबल अस्पताल को जल्द से जल्द लोगों की मूलभूत सुविधाओं के लिए खोला जाए। 27 तारीख के दिन भी हमारा एक दल अतिरिक्त महोदय से मिला, पर हमें संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। अगर प्रशासन ने भोटा राधा स्वामी हॉस्पिटल को लोगों की सुविधाओं के लिए नहीं खोला तो फिर से उपायुक्त हमीरपुर का घेराव करेंगे। वहीं लॉकडाउन होने की वजह से लोग बेरोजगार हो गए हैं, जिनके पास पैसे नहीं है। भोटा राधा स्वामी हॉस्पिटल में सारी सुविधाएं थी और दवाइयां और खाना भी मुफ्त में मिलता था। कोरोना महामारी के चलते 6ठी कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा के बच्चों के लिए स्कूल में एडमिशन लेने की आज अंतिम तारीख थी, जिसको लेकर काफी बच्चों ने स्कूल में प्रवेश ले लिया है। कोरोना काल के दौरान ये भी देखा गया है कि लोगों ने अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में प्रवेश दिलाया है, जिससे अब सरकारी स्कूलों में बच्चों की काफी संख्या बढ़ गई है। विजय गौतम ने कहा कि इस बार प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले काफी बच्चों ने सरकारी स्कूलों में प्रवेश लिया है। उन्होंने कहा कि प्राइवेट स्कूलों में ज्यादा फीस ली जाती है, जबकि सरकारी स्कूलों में फीस कम ली जाती है, जिस वजह से इस बार काफी बच्चों का रुझान सरकारी स्कूलों की ओर हुआ है। व्हाट्सएप ग्रुप से या अन्य माध्यमों से, जैसे SMS और TV के माध्यम से जोड़ लिया गया है और बच्चे उस माध्यम से शिक्षा ले रहे हैं। अध्यापक जो है उनकी डेली मॉनिटरिंग कर रहे हैं और अपना फॉर्म जो भरा जाता है, जिसकी प्रतिदिन रिपोर्ट सरकार को जाती है। तो इन परिस्थितियों में जो सर्वोत्तम उपाय है वो सरकार द्वारा किया गया है और उसको सभी विभाग, विशेषकर शिक्षा विभाग और
जो शिक्षक हैं वो उसको फॉलो कर रहे हैं, और बच्चे जो हैं और अभिभावक जो है उनसे भी संपर्क बना के इसकी फीडबैक ली जा रही है।